नमस्कार दोस्तों, जनार्दन योगा स्कूल में आपका खूब खूब स्वागत है। मैं जनार्दन आज आपको 15 मिनट प्राणायाम कराऊँ। ये प्राणायाम आप योगासनों से पहले या योगासनों के अभ्यास के बाद भी कर सकते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप एम्प्टी स्टमक हो, आपका पेट खाली हो। दोस्तों, प्राणायाम के रोज अभ्यास से आपके शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, कामनेस आती है, शरीर को शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपका पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से फिल हो जाता है, आपके चेहरे पे चमक आती है। और इसके न जाने कितने फायदे हैं, तो इन सब फायदों को लेने के लिए आइए करते हैं प्राणायाम। इजी क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठ जाएं, अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पे रख दें, आंखें बंद कर लें और अपनी पीठ सीधी करें। प्राणायाम के लिए तैयार होने के लिए कुछ डीप योगिक ब्रीदिंग करते हैं। जैसे जैसे आप गहरी श्वास लें, अपने पेट को फूलता हुआ महसूस करें। जब श्वास छोड़ें तो आपका पेट अंदर जाएगा। इनहेल डीपली, बेली गोज आउट। एक्सहेल फुली, बेली गोज इन। वंस मोर, लंबी गहरी सांस लें, पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ें, पेट अंदर जा रहा है। अब हम थोरेसिक ब्रीदिंग यानी वक्ष श्वास का अभ्यास करेंगे। इसके लिए जैसे जैसे आप सांस लें, पहले अपनी बैली को पूरा एक्सपेंड करें, फिर अपनी चेस्ट को बाहर एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा और सांस लें। अब जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे, पहले आपकी चेस्ट अंदर जाएगी, फिर आपका पेट अंदर आएगा। अगेन इनहेल, एक्सपेंड योर बैली, फॉलोड बाय एक्सपेंडिंग योर चेस्ट। एज यू एक्सहेल, योर चेस्ट softens and then the belly goes in. Last one, deep inhale, belly goes out followed by chest. Exhale, chest goes in followed by the belly. Ab relax kare और कुछ नॉर्मल सांसें लें। दोस्तों, योगिक ब्रीदिंग आपकी पूर ब्रीदिंग हैबिट्स को ठीक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यह ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाता है। एक और लंबी सांस लें और अब हम शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोस्तों, हमारा फोकस एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन पे होगा। जब आप एक्सहेल करेंगे, अपने पेट को अंदर धकेलना है। हम इसके लिए 50 स्ट्रोक लगाएंगे। टेक ए डीप ब्रेथ एंड लेट स्टार्ट। स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन पर ही फोकस करें, इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है। आप अपना एक हाथ पेट पे भी रख सकते हैं टू नोटिस हाउ इट गोज इन विद एवरी एक्सहेलेशन। कीप गोइंग फ्रेंड्स। एंड वी आर डन। अब कुछ रिलैक्सिंग ब्रीथ्स लें। फ्रेंड्स, हम दो और राउंड्स करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड लेट स्टार्ट। टेन, ट्वेंटी, थर्टी,
40। Very good. Take a few deep breaths to relax. Last round. लंबी गहरी सांस लें। टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, वेरी गुड। अब कुछ लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों ही गहरे और एक्टिव होंगे। इसके लिए अपनी एल्बोज को बेंड करते हुए अपने दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पर ले आएं। हर बार जब आप सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, अपने हाथ ऊपर लेंगे और पेट बाहर की तरफ जाएगा, और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे लाएंगे और पेट अंदर जाएगा। दोस्तों, इस तरह से हम 20 पंपिंग्स करेंगे। वेरी गुड। कुछ लंबी गहरी रिलैक्सिंग सांसें लें। दोस्तों, हम दो और राउंड करेंगे। अपने हाथों को शोल्डर के लेवल पे लाएं। लेट्स स्टार्ट। Very good. Relax and breathe normally. Last round. Again, अपने हाथों को shoulder level पे लाएं and start करें। Relax and breathe normally. Friends, अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। अपनी उंगलियों को फोल्ड करते हुए राइट हैंड से दिखाई गई मुद्रा बनाएं। अब अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करें और बंद कर लें। अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरी सांस लें। अब अपनी अंगुलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक करें और राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अगेन इनहेल करें राइट नोस्ट्रल से ही, अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद कर दें, अंगुलियों को स्विच करें और लेफ्ट से सांस छोड़ें। इसे 12 राउंड तक कंटिन्यू करना है। ध्यान रखें कि लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी ही छोड़नी है। Also, make sure that your exhalation are as long as your inhalation. अपनी सांसों पर ध्यान दें, मेरे साथ करें। Inhale from left, 1, 2, 3. Now switch, exhale right, 1, 2, 3, 4. Inhale from right, 1, 2, 3. Exhale from left, 1, 2, 3. Inhale from left,
Now switch. Exhale from right. 1, 2, 3. Inhale from right. 1, 2, 3. Now switch. Exhale left. 1, 2, 3. Inhale left. 1, 2, 3. Switch. Exhale right. 1, 2, 3. Inhale right. 1, 2, 3. Switch. Exhale left. 1, 2, 3. Inhale left. 1, 2, 3. Now switch. Exhale right. 1, 2, 3. Inhale right. 1, 2, 3. Switch. Exhale left. 1, 2, 3. Inhale left. 1, 2, 3. Exhale right. 1, 2, 3. Now inhale from right. 1, 2, 3. Exhale from left. 1, 2, 3. Now relax. फ्रेंड्स, हम भ्रामरी प्राणायाम के साथ इस सेशन का अंत करेंगे। अपने अंगूठों से दोनों कान बंद कर दें, आंख बंद कर दें, अपनी अंगुलियों को जेंटली अपने माथे, आंख, नाक और चिन पर रखें, अपने जबड़ों को ढीला छोड़ दें, अपना ध्यान मस्तिष्क के सेंटर पर केंद्रित करें, अंगूठे हटा के लंबी गहरी सांस लें और कान बंद कर दें और फिर लंबी गहरी हमिंग साउंड के साथ धीरे धीरे एक्सहेल करें। हम दो बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। Once more. फ्रेंड्स, भ्रामरी प्राणायाम में जब आप सांस लें तो अंगूठे कान से बाहर रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी आंखों को बंद रखें और दोनों हथेलियों को रगड़ें टू क्रिएट हीट इन द पाम्स। फिर दोनों हाथों को आई लीड्स पर रखें, हाथों की गर्माहट आंखों पे फील करें। धीरे से अपने हाथ नीचे ले आएं और कोमलता से आंखें खोलें हल्की सी मुस्कान के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आपने यह सेशन एंजॉय किया है और आप यह प्राणायाम डेली करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं। बाय बाय। नमस्कार।